गौर से आपने इस बात को समझना है, दुनिया में पैसा बनाने के लिए अभी एक वाकया हुआ है, वो देखिएगा। 9.09 trillion US dollar, यानी अमेरिकन हुकूमत से भी ज्यादा, दुनिया में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा पैसा है ब्लैक रॉक के पास। यानी इसके जो CEO हैं वो दुनिया के सबसे स्ट्रांगेस्ट आदमी हुए फाइनेंस में। ये वो कंपनी है जिसको सारी दुनिया पैसे देती है, भाई मेरा पैसा लेकर डबल कर दो, फिर इनकी मर्जी प्रॉपर्टी में लगाएं, गोल्ड में लगाएं, जहां मर्जी लगाएं, ठीक हो गया। अब ये क्या कहते थे पहले और अब क्या कहते हैं फाइनेंस में दुनिया में सबसे जिसे कहते हैं स्ट्रांगेस्ट आदमी, उन्होंने कहा भाई इससे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, चीज़ ठीक नहीं है, बिटकॉइन जो है ठीक नहीं है। ठीक है, मैंने तकरीबन एक महीने पहले कहा कि भाई जान ये देखो ये वीडियो है एक महीने पुरानी, और इससे पहले भी मैं कहता रहा हूँ, इससे दुनिया में पैसा बनाने के लिए आपकी नजर होनी चाहिए जो फाइनेंस के सबसे स्ट्रांग लोग हो, और उनमें सबसे स्ट्रांगेस्ट है ब्लैक रॉक के CEO लैरी फिन, और नजर होनी चाहिए कि ये लोग किस तरफ जा रहे हैं। मैंने निकाल के दिया कि भाई जान इथेरियम बिटकॉइन की तरफ लैरी फिन जा रहे हैं। ठीक है, आज है 6 जुलाई, जो शख्स कह रहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग की चीज़ और बिटकॉइन लीगल नहीं होनी चाहिए, फलाना धमाका ये वो, इस तरह की बातें 2017 में जब हम लोग कह रहे होते थे कि बिटकॉइन बेस्ट हेज बनेगा, गोल्ड की जगह भी लोग इसको ले रहे होंगे। आप जरा सुने, आज की रिपोर्ट है, फॉक्स पे बैठ के लाइव बोल रहे हैं 6 जुलाई 2027 में। एंड आल्सो आई डू बिलीव द रोल ऑफ क्रिप्टो इज It's digitizing gold in many ways. Instead of investing in gold as a hedge against inflation, a hedge against the onerous problems of any one country or the devaluation of your currency, whatever country you're in, let's be clear. Bitcoin is an international asset. It's not based on any one currency. And so it can represent an asset that people can play as an alternative. I would call the foundation of BlackRock is about hope. You invest for retirement because you believe tomorrow is better than today. और घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है। 7 साल पहले इसी तरह की बातें कौन बोल रहा होता था, देखें जब बिटकॉइन कितने का था। अस्सलाम वालेकुम जी, ये जो आपको सामने लिखा नजर आ रहा है, 1 bitcoin equals to $268. अब बिटकॉइन के बारे में काफी सारे लोग भी लिख सकते हैं, और यहां पर आप सबसे 268 US dollar का था। तब मैंने कहा था कि भाईजान दुनिया को ये तब्दील करेगा, 1000 videos है, 7 साल पहले मैं कह रहा था भाईजान इसमें आ जाओ। तो आपको फख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान से कोई बंदा ऐसी रिसर्च कर रहा था कि वो जमाने में भी कह रहा था कि इसका टाइम आएगा और ऐसा आएगा कि गोल्ड को छोड़ के सब इस तरफ जा रहे होंगे। और 7 साल पहले जब ये वीडियो बनाई थी, एक बिटकॉइन पाकिस्तानी रुपीस में कितने का था, जैसे अभी मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, वॉलेट कैसे बनाना है, ये क्या करना है, 28,000 रुपए का एक बिटकॉइन था। ठीक है भाई, जब वकार जका के अलावा कोई भी आप कोई भी बंदा उठा लें जो ग्रुप शुरू बना के बैठा है, बोल भाई वीडियो दिखा अपनी, कोई तो चीज दिखा कि तूने कभी बताया था। कोविड के बाद 2019 के बाद ये सारे नजर आते हैं, इतना पुराना कौन है भाई, इतने पहले कौन बता रहा था, ये जाकर देखना जरूरी है, और ये जताना भी अभी जरूरी होता है कि मेरे अलावा कौन बोल रहा था, मैं नहीं तो कौन। तो पॉइंट ये कि 28,000 का था बिटकॉइन, ठीक है, और आज कितने का हो चुका है, 6 जुलाई 2023 को। बहुत बड़ी बात है कि दुनिया के सबसे स्ट्रांगेस्ट फाइनेंस के आदमी जिसके खिलाफ था, उसने कह दिया कि भाई बिटकॉइन गोल्ड से बेहतर है, और वो लोग ETF निकाल रहे हैं, यानी ब्लैक रॉक को अब अपने जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, बड़े बड़े दुनिया के, उनको कहेंगे हाँ भाई बिटकॉइन में भी 1-2% लगा। इस वक्त कितने का चल रहा है बिटकॉइन, 268 डॉलर का था 7 साल पहले, आज 30,000 डॉलर का, यानी पाकिस्तानी एक बिटकॉइन है 84 लाख रुपए का, 84 लाख का। ये तमाम चीजें भाईजान हम आपको अभी भी सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो वक्त अभी भी है, अपने बच्चों को इस तरफ लगाए, vakarzaka.net पे जाएं, ठीक है, यहां क्लिक किया आपने, इस वेबसाइट के अलावा और कोई तरीका नहीं ग्रुप में घुसने का, ये मैं आपको बता दूं। यहां जाने के बाद आप गए यहां मंथली पे गए, एनुअल पे गए, आप जो भी आपको सही लग रहा है वो ज्वाइन किया, टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड ज्वाइन किया, और हम आपसे ये नहीं कहते कि हमें पैसे दो, अगर मेरी आईडी फेक आईडी से कोई मैसेज आता है भाई पैसे दो, तो आपने पैसे नहीं पकड़ाने, काम सीखना है, अभी भी वक्त है, बच्चों को इस पे लगा दो, वरना ये टाइम निकल जाएगा, फिर सोते रहोगे।